अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की भी कुछ ज़रूरी खबरें गैर मुल्कियों के रिलेटेड है, जो ट्रांसफ़र लेते हैं उसके पैसे, पेमेंट, इकामा का, रिन्यूअल का, ट्रांसफ़र का चार्ज कौन भरेगा, उसके रिगार्डिंग अपडेट आ गई है। और जो है कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनको इंडिया ने एक नोटिफिकेशन दे दिया कि अगर वहाँ से आपको आना है इंडिया, मतलब अब इंडिया आने के लिए किसी भी एयरपोर्ट पे बिना आरटीपीसीआर के आप इंडिया की फ़्लाइट नहीं पकड़ सकते हैं। आप बोर्डिंग के लिए जाएंगे, वहीं से आपको जो है वापस कर दिया जाएगा। कौन कौन से देश इसमें शामिल है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। और जो है इंडिया में अभी क्या हालात चल रहे हैं, कौन कौन सा र्यूमर फैल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दुबई के रिगार्डिंग भी आप लोगों के एक अपडेट शेयर करूंगा मैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे तो आप लोगों को पूरा न्यूज़, पूरा अपडेट जो है समझ में आएगा। सऊदी के रिगार्डिंग मैं खबरें जो है शुरू करना चाहूँगा। संडे का दिन है, आप लोगों को मालूम है, मैं आज घर पर था, रूम पर, वहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं वो समझिए एक ऐसा जगह है कि हल्ला को रोक ही नहीं सकते हैं। बच्चे इतने रहते हैं, इतना शोर करते हैं। खैर, इसीलिए मैं बहुत कम वीडियोस अपने घर से, रूम से बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं सऊदी अरब की जो एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, एक न्यूज़ आप लोग देखे होंगे इंडियन मीडिया में अभी तो हल्ला मचा रहा है, बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहा है। वो कौन सा न्यूज़ है कि सऊदी अरब ने नकाब पे, बुरका पे लगाया पाबंदी। सऊदी अरब का रिसेंट न्यूज़ आया, बिल्कुल सऊदी अरब ने नकाब पे, बुरका पे, अबाया पे पाबंदी लगाया है। लेकिन कहाँ पे लगाया है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। एग्जामिनेशन हॉल में लड़कियां जहाँ पे जाती हैं एग्जाम देने के लिए, वो एग्जामिनेशन हॉल में वो लोग अबाया पहन के, बुरका पहन के नहीं जाएंगी। उस पर उन लोगों ने बैन लगा दिया है, अबाया बुरका अलाउड नहीं है। अगर किसी भी तरह का एग्जाम चल रहा है और आप एग्जाम देने जा रही हैं वहाँ पे, सऊदी अरब की औरतें अगर एग्जाम देने जा रही हैं तो उनको बुरका की ज़रूरत नहीं है, बुरका पे वहाँ पाबंदी है। अब यहाँ बहुत सारे हल्ला और शोरगुल चालू हो गए कि सऊदी अरब ने लगाया बैन, ये वो। खैर, ये तो चलता रहता है। अभी चाइना में कुछ इतना हालात नहीं है, फिर भी यहाँ के मीडिया के हिसाब से बहुत बुरे हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में। और ये बुरे हालात को देखते हुए जो है कुछ बैंस भी लग रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक अगला न्यूज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, दर्दनाक हादसा हुआ है सऊदी अरब में। वहाँ पे क्या हुआ कि लड़के, कुछ लोग जो थे गैर मुल्की लोग थे, वो लोग रोड क्रॉस कर रहे थे और रोड क्रॉस करते हुए एक गाड़ी ने उन लोगों को उड़ा दिया। एक साथ तीन लोगों की मौत हो गई जो गैर मुल्की थे और सात लोग घायल हो गए। ये न्यूज़ मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि एक अलर्ट के लिए, ताकि आप लोग अलर्ट हो जाए कि सऊदी अरब में ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि अगर कहीं पे वो रेजिडेंस में रहते हैं और सामने हाईवे है और हाईवे के उस तरफ मार्केट है या हाईवे के उस तरफ उनको काम पे जाना है तो वो हाईवे ऐसे ही क्रॉस करने लगते हैं। गैर मुल्की लोग ऐसा बहुत करते हैं। हालांकि कुछ दूर जाके ओवर ब्रिज या अंडर पास बने हुए हैं, उसके थ्रू वो पहुंच सकते हैं वहाँ पे, या रेड लाइट का ध्यान रख के पहुंच सकते हैं। लेकिन जल्दीबाजी में लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं और मौत को दावत देते हैं और ये चीज़ हुआ। तो मैं आप लोगों, सभी लोगों से गुजारिश करूँगा, चाहे वो लोग गल्फ कंट्रीज में कहीं भी रहते हैं, वहाँ पे स्पीड गाड़ियों की जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए वो लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और नतीजा ये होता है कि मौत हो जाती है। जो लोग सामने आते हैं वो लोग उड़ जाते हैं, इतनी तेज़ गाड़ियाँ रहती है, उड़ा देती हैं, फिर उनकी मौत होती है, जैसा कि ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है ऐसा नहीं करें, रोड क्रॉस करते हुए ये ध्यान रखें कि गाड़ियाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड में रहती हैं, मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इंजरी सात लोगों को हुई और तीन लोग मर गए हैं, तो क्या फ़ायदा इस जल्दबाजी का। और इसके बाद से मैं आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग है कि जैसा मान लीजिए कोई जाता है किसी पे हुरूप लग गया, अभी एक नियम है ना कि हुरूप लग गया तो 60 दिनों में आपका ट्रांसफ़र वगैरह ले लेना है। कफिल ने अगर आपका इकामा वगैरह नहीं बनाया था तो लास्ट इकामा के चार्जेस वगैरह सब आपको भर के, और जो कंपनी आपका ट्रांसफ़र ले रही है वो भरेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कंपनी क्या करती है आप लोगों से पैसे ले लेती है। उसी के रिगार्डिंग ये अपडेट आया हुआ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। कोई भी नॉन सऊदी, मतलब गैर मुल्की जो वहाँ पर है, अगर वो कहीं किसी दूसरे कफिल के पास ट्रांसफ़र ले रहा है तो उसका जो इकामा पहले का एक्सपायर है अगर, तो उसका फीस भी वो नए वाले स्पॉन्सर को भरना है, प्लस नया जो उसका प्रोसेस करेगा, इकामा बनाएगा, वो भी उसी को भरना है। लेकिन क्या करते हैं कि कई बार वो लोग आदमी से मांग लेते हैं। चलिए, आदमी से अगर मांग लिया कंपनी ने तो वो जो आदमी ट्रांसफ़र ले रहा है वो देगा, वो पेमेंट दे देगा। लेकिन पेमेंट देने के बाद से वो पेमेंट उसको रिफंड लेना है, रिफंड उसको लेना है, और वो जो है रिफंड देना पड़ेगा कफिल को। अगर नहीं देगा तो वो जो है आर्टिकल 80 की वॉयलेशन कर रहा है एम्प्लॉय, आप उसके खिलाफ जो है जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपके पैसे आप चाहें तो उससे ले सकते हैं, उसको ये बता के। तो इससे काफ़ी लोग एकदम खलबलाए हुए हैं कि भाई ये कैसा कानून आ गया। पहले ऐसा लोग करते थे जब ही ऐसा हुआ है, लेकिन आप लोग मैक्सिमम यही देखे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग पेमेंट भर देते हैं, कफिल कंपनी कोई उसका जिम्मेदार नहीं होता, नहीं देता है पैसा। हालांकि उल्टा वो लोग पैसा लेते हैं, भाई आपको हमारी कंपनी में आना है, ट्रांसफ़र लेना, हमको ये पैसा आप देंगे, आपके सारे खर्चे पहले का आप ही भरेंगे और नया भी आप ही को भरना पड़ेगा।
और दोस्तों इसके बाद मैं एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा आप लोगों ने। इंडिगो का एक फ़्लाइट मैंने भी देखा था, इंडिगो फ़्लाइट में जो इस्तांबुल से और इंडिया दिल्ली आ रही थी उसमें जो है एयर हॉस्टेस से और एक कस्टमर से लड़ाई हो गई थी, झगड़ा बात पे कि खाने पीने के बात पे। उस पर जो अभी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं किसको, उस पैसेंजर को, कि उसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, वो जो है वो आपकी नौकर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे एज अ नौकर एज अ सर्वेंट काम करे तो आप अपनी फ़्लाइट जो है ले लीजिए, आप अपनी फ़्लाइट बनाइए, अपनी फ़्लाइट से आइए जाइए, आपके नौकर रहेंगे, जो आपको बोलेंगे वो आपको देंगे, क्योंकि आपकी अपनी फ़्लाइट रहेगी। और जो उसमें रहते हैं लोग काम करने वाले एयर होस्टेस वगैरह या सर्विस क्रू, वो उसी को फॉलो करते हैं जो उनको कंपनी बोलती है। तो ये सही है, उस पैसेंजर को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसको काफ़ी खरी खोटी सुनाई जा रही है। और इसके बाद एक न्यूज़ आप शेयर करना चाहूँगा मैं आप लोगों से, जो गाइडलाइंस सऊदी अरब, इंडिया मेक्स निगेटिव कोरोना रिपोर्ट मस्ट फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम 5 कंट्री। मतलब 5 देशों से जो लोग इंडिया में आ रहे हैं उनके लिए RT-PCR का टेस्ट कंपलसरी हो गया है, वो भी निगेटिव, उनको अपने देश से लेके आना है। जैसा पहले होता था ना, पहले RT-PCR चेक कराइए, निगेटिव रिजल्ट आएगा तभी आपको ट्रैवल करने दिया जाएगा, वैसे ही कानून अभी ला दिया गया है 5 देशों के लिए। वो 5 देश हैं दोस्तों, हांगकांग है, चाइना है, सबसे नंबर 1 पे चाइना है, चाइना, हांगकांग, साउथ कोरिया, थाईलैंड और जापान। ये 5 देशों से अगर कोई भी ट्रैवल करके इंडिया आ रहा है तो बिना RT-PCR के नहीं आएगा। और दुबई से मैंने आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर किया था कि दुबई से जो लोग भी इंडिया आ रहे हैं, इंडिया वाले लोगों के लिए ये अपडेट था, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, तो वो अपडेट में थोड़ा सा ब्रीफ में ये देना चाहूँगा। लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि क्या है, मतलब कि पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बिना आपका जो इमिरेट्स आईडी है उसके बिना आप ट्रैवल नहीं करेंगे, आपको रोक दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। तो उसके बारे में अपडेट ये है कि वो जो ट्रैवल करने के लिए आपके इमिरेट्स आईडी ज़रूरी है, वो जो वहाँ पर रहते हैं जिनका आईडी बना हुआ है वो इंडियन के लिए है, तो वो आईडी क्यों ज़रूरी है? क्या अब आपके पासपोर्ट पे जो है ना, ये जो है 2-4 महीने से ये चालू था लेकिन अभी ज़्यादा फोर्स में आ गया है कि आपके पासपोर्ट पे वहाँ से डिपार्चर का स्टैंप नहीं लगेगा दुबई से, इसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं, आप अपना आईडी दीजिए और आईडी में ऐसा सिस्टम है, आईडी वहाँ पे स्कैन होगी आपकी दुबई एयरपोर्ट पे, चाहे वो कहीं से भी आप आ रहे हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, वहाँ पे आपका जो है आईडी जो है दुबई का वो स्कैन होगा, और स्कैन हुआ बस उसी पे लग गया, एंट्री हो गई कि अब आप अपने देश जा रहे हैं, अपने देश इंडिया में पहुँचेंगे वहाँ पे अराइवल का स्टैंप लगेगा, डिपार्चर का आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं रहेगा, पासपोर्ट के पेजेस भी इससे बचेंगे, ये भी एक पहल है उसको लेकर के। तो दोस्तों और भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बहुत सारा सवाल कर रहे हैं, सवाल क्या कर रहे हैं कि ये जो कोरोना आया है अभी जो है एक मार्केट में र्यूमर फैल गया कि भाई बिना बूस्टर डोज के कोई सऊदी अरब के लिए या कहीं के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर पाएगा। हालांकि ये अफवाह है, अभी तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन आप बूस्टर लगा लेंगे तो अच्छा है, नहीं लगाए हैं, 2 डोज लगाए हैं फिर भी आप जो है सऊदी अरब जा सकते हैं। ये मैं एटलास्ट आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग पैनिक मत होइए, ज़्यादा उलझिए मत, कई लोग बोलते हैं मेरा 28 तारीख को फ्लाइट है, मेरा 3 तारीख को फ्लाइट है, कैसे जाऊंगा, हमारे पैसेंजर्स का भी फ्लाइट है 26-27 तारीख को, कोई दिक्कत नहीं, और सब लोग जाएंगे, खाली अराइवल रजिस्ट्रेशन करेंगे और टिकट, पासपोर्ट और बस इतना लेके वो जा सकते हैं, वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ में लेके, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना RT-PCR ना बूस्टर, लेकिन आप बूस्टर लगा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आने वाले दिनों की कंडीशंस आप देख रहे हैं, इसके लिए यही है कि आप बूस्टर लगा लें। अगर सऊदी अरब से आप कोई भी आ रहा है इंडिया तो उसको कोई भी अभी कुछ भी ऐसी ज़रूरत नहीं है, ना एयर सुविधा फॉर्म भरने की, ना RT-PCR कराने की, चाहे गल्फ कंट्री से कहीं से भी वो इंडिया आ रहे हैं। तो ये अपडेट था, ये न्यूज़ था, मैंने सोचा आप लोगों से बता दूँ और कन्फ्यूज़न जो है दूर कर दूँ। आने वाले दिनों में अगर कुछ भी ऐसे अपडेट आते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, ये तीनों जगह आप मुझसे जुड़े रहिए, आपको अपडेट जो है मिलती रहेगी, वीडियोज़ मेरे देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ध्यान से फॉलो कर लीजिए, वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगले वीडियो में, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।